ये हमारा मसाला बिरयानी का तैयार हो गया जी। ये हमारी माशाल्लाह, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देख कितनी अच्छी लग रही है ना सैलड, रायता बिरयानी बनाई थी वो दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं पका रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुजम्मिल को बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन बिरयानी, तो मैं आज वो बनाऊँगी, हमारे साथ ही रहेगा। इसके अलावा बाकी की रूटीन भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि क्या रूटीन आजकल बच्चों की, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे खाना नहीं बनाने दे रही है। देखिए पीछे 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 मेरे आ रही है। ये हम लोग फ्राई कर रहे हैं, अनियन फ्राई करके थोड़ी सी ये इनके ब्राउन कर लेंगे। इसको ब्राउन करके हम इसको निकालेंगे, उसके बाद हमें चिकन डाल के इसको फ्राई करना है। बाकी मसाले के साथ साथ हम डालते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये हम आज बिरयानी बना रहे हैं, चिकन बिरयानी। ये अभी हम लोग चिकन फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। फिर ये देखिए अनियन हमने ये ब्राउन करके निकाल ली है। तो जो जो चीज़ें हम डालते जाएंगे साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये या रोशनियाँ जो रोटी में हाल किया वगैरह, बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई है। अच्छा, अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है अभी हमने। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटो काट के रखे हुए हैं। अभी इसमें हमने टमाटो भी डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और अच्छा ये दही में मिक्स किया है बिरयानी मसाला और बाकी और चीज़ें हम डालेंगे। इसमें अनियन भी डालेंगे, इसमें इमली डालनी है, आलू बुखारा डालना है। इसमें हमने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी मसाले की मिर्ची डाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी हम इसमें सुरख मिर्चें डाल लेंगे। एक चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं, बाकी बिरयानी मसाला डल गया है। ये अभी दही में ये बिरयानी मसाला डाले, ये आलू बुखारा और ये इमली और इसमें से थोड़ा सा हम प्याज भी मिक्स करेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसमें जरदे का रंग भी डालेंगे। ये हमने सारी चीज़ें इसमें दही में मिक्स कर ली और ये हम इसमें डाल देंगे। हालांकि मैं तो चिकन खाती नहीं लेकिन शक्ल से मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ी देर भून लेते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमारा मसाला बिरयानी का तैयार हो गया। ये हम रायता बनाने लगेंगे, उसके बाद सैलड रह गई। ये हमने अभी राइस बॉयल करनी है बिरयानी के लिए। पानी बॉयल होता है तो इसमें राइस डालते हैं। मम्मा ने बॉयल कर दिए थे राइस और ये रख दिए, इसमें से पानी निकाल दिए। ये देखिए हम बिरयानी की तह लगा रहे हैं, नीचे थोड़ा सा चिकन फिर राइस डाल रहे हैं उसके साथ साथ। धुआं देखो कितना उठ रहा है, गर्मा गर्म हाल चलती है नीचे इतने बड़े पतीले में। ये आ गए हैं राइस और ये देखें इस वक्त अभी मिक्स करना है इसको। अभी इसके ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं, लेमन डाला है, पुदीना है, लेमन और ये इतनी बोटियाँ मैं खाती तो नहीं हूँ लेकिन आज खा लूँगी। और ये साथ से हरी मिर्ची डालते हैं और ये हरी मिर्च जर्दे का रंग अभी डालना है। मम्मा जर्दे का रंग डालना अभी डालना है।
टेस्टी लग रही है वैसे तो। मैंने थोड़ा सा डाल दिया और अभी थोड़ा सा और डाल रहे हैं। सैलड हमारी तैयार हो गई है, उधर हमने दम लगाया हुआ है, अभी दम खोलेंगे फिर बिरयानी भी हमारी तैयार हो जाएगी। देखते हैं जी हमारी माशाल्लाह, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। जी ये देखिए माशाल्लाह कितनी शक्ल से अच्छी लग रही है बिरयानी। मैं तो बिरयानी खाती नहीं हूँ, मैंने अपनी रोटी बनाई, बाकी सबकी बिरयानी है। रोज की अपनी रोटी बताई है, मैंने वो खानी है क्योंकि मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, मीट मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन ये मुझे देखने में इतनी अच्छी लग रही है। आ गई फिर स्कूल से? नहीं अभी रास्ते में हूँ। बात तो सही है। तो आ तो गई हो। कौन कौन आया था आपकी क्लास में, कितने बच्चे थे? आठ हैं, एक है। एक घंटा रह गया मम्मू के आने में, चार बजे आएंगे ना। किसने कहा? मम्मा ने कहा, हम स्कूल से आ रहे थे, वो आने वाले हैं। मम्मा कह रही थी चार बजे आएंगे, पंद्रह मिनट पे पहुंच जाएंगे। किधर पहुंचे थे अभी, फोन किया था? पता नहीं, कैसी लगी आगे स्वाद? तो गया बेटे। आ गए फिर स्कूल से? नहीं अभी स्कूल में ही हूँ। उसने भी इस तरह बोला, तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? मैं स्कूल में ही हूँ अभी। हाँ जी, तो गाइस मैं पागलों का सरदार भी हूँ क्योंकि ये कहती है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे बंद कर। अच्छा ये जो है ये इशारा आपने फूफो को दे दी है, हरा ये आप फूफो को पकड़ा के आ जाओ, ये लो। अच्छा फूफो आई हुई है ना, फूफो को पहले दे दो, दादा भी खा लेगा, दोनों खाना खा लिए, देर में खाएंगे। अरे हम खा के बताओ कैसी बनी है? बहुत मजे की बनी है। अच्छा नूर आप नहीं खा रही, आप क्या खा रही हो? बोटी खा के दिखाओ, बोटी मजे की है। ये भी तो बिरयानी से निकली है। हाँ और इसमें भी तो मिर्च होती है। हाँ। अच्छा ये जी इनके मामू आ गए बच्चों के, और हम लोग ये खाना उनको देने लगे। ये दिखाओ भाई शाल, ये देख कितनी अच्छी लग रही है ना सैलड, रायता बिरयानी बनाई थी वो दे देते हैं। इसका चम्मच किधर है? जाओ लेके जाओ, ये लो। मेरा बेबी क्या हुआ, क्या हुआ था बेबी को? नीचे वो करके हंस रही है, वो देखो हंस रही है नीचे को करके। अबे ऊपर नहीं, ये वाला टीवी देखना है इसने असल में ना। अच्छा चलो देखो फिर। आप कितनी खुश हो रही है? हाँ ये अकेली बैठी है देखती रहती है, इसको डर ही नहीं लगता। ओए इधर आराम से बैठ जाओ आप ऋषि, ये ताई अम्मी वाला देखती है इधर आके, अकेली बैठी रहती है। ये मैं भी दे ही बैठी। हाँ ठीक है आप भी बैठ जाओ इधर ही। मुजम्मिल बड़ा बिजी है, मुजम्मिल के मजे हैं। राजा आपको मजा आया बिरयानी का? बहुत मजे की है, मजे की है ना। एक दफा तो इसने खा ली आके स्कूल से, अब फिर से ये खा रहे। मेरी फेवरेट है ये, कहते मैंने बार बार खानी है, तो मुजम्मिल की वजह से तो मैंने बनाई थी बिरयानी। मुजम्मिल को बहुत पसंद है और हरम को, इन दोनों को ये ज्यादा पसंद है।